What's up everybody? Finally we are in Pune. और भाई मिलिंद भाई बिग शाउट आउट आपको, आपकी वजह से बहुत अच्छा रेजिडेंसी मिल चुका भाई हमें, ठीक है. मतलब इट्स एन अपार्टमेंट विथ 3 different rooms एंड हम लोग 3 लोग ही हैं एंड बजट में भी बैठ गया और ऊपर से तो केयर टेकर है, ही सो स्वीट एंड पोलाइट कि भाई अभी भाई चाय बना रहा है मेरे लिए. और फिर अभी तो भाई मौसम, बट हाँ ये है, दिल्ली से मैं निकला था तो ये सोचा था कि भाई ठंड होगी होगी, इतना मोटा ये हुडी पहन लिया, बट यहाँ के ऐसा लग रहा है कि भाई हाफ स्लीव्स में ही आना चाहिए था. बट केयर टेकर इस सेइंग कि भाई आप रुक जाओ, ठंड में शाम में बहुत ठंड होने वाली है, तो अब देखते हैं कैसी ठंड रहेगी. बाकी अभी मिलिंद विलिंद आते हैं, फिर तुम्हें उनसे भी मिलाता हूँ, मिलिंद अथिया और मिलिंद भाई का एक और दोस्त भी आ रहा है, और फिर हम लोग शाम में थोड़ा पुणे में विजिट करेंगे, देखेंगे क्या चल रहा है. बाकी तो भाई तुम ये देखो भाई, ये टेरेस है भाई, चेयर एंड ग्रास वगैरह लगाई पड़ी है एंड बहुत ही अच्छा व्यू है भाई. मतलब ये जालियों की वजह से नहीं दिख रहा, बट व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का. तो मिलते हैं तुम्हें सीधा थोड़ी देर बाद, फ्रेश फ्रेश हो लेता हूँ तब तक. गाइज एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, हमने ओनर से कल अपडेट नहीं लिया रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टी एंड हमने चेक इन कर लिया, लाइक हमने नहीं, मैंने, मिलिंद भाई अब तक तो आए नहीं, होप सो कि आधे घंटे में आ जाएंगे, वो भी अभी बस निकल चुके हैं जबलपुर से जब आखिरी बार मेरी बात हुई थी उनसे, तो वो भी आ रहा है अभी. तो ओनर ने कहा कि ब्रो आपको अपग्रेडेशन हमने दे दी थी कल, अब आपने चेक नहीं किया समहाउ कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से, तो जो हमें अपार्टमेंट अब मिला है वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, कुछ कल्याण नगर कुछ ऐसी जगह है यहाँ पुणे में, ठीक है. एंड वो कह रहे हैं कि टेरेस गार्डन भी उसका बड़ा है एंड वो पूरा का पूरा अपार्टमेंट आप लोगों का ही है, सिर्फ हम 3 लोग हैं जो यहाँ पे शेयरिंग में रहेंगे. एंड आई गेस भाई रीजनेबल है प्राइस, अफोर्डेबल है सब कुछ, मतलब ठीक है, कोई ऐसा सच नहीं है कि भाई जेब खाली कर दे सिर्फ स्टे स्टे में, ऐसा सच कुछ भी नहीं है. और बाकी भाई एक चीज़ मैं तुमसे शेयर करना चाहूँगा यार, कि भाई फ्लाइट और ट्रेन में ना, ट्रेन में ज़्यादा मज़ा आता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. क्योंकि भाई आज अगर देखा जाए, मैं दिल्ली से 6 बजे चढ़ा प्लेन में एंड 8 बजे मैं आ गया पुणे, इनफैक्ट 8 बजे भी नहीं, मैं 7:30 बजे आ गया, 7:30 या 7:40 के आसपास आ गया, कि मतलब मैं प्लेन में बैठा, झपकी मारी, उठा, पुणे आ गया. यार उसमें मज़ा नहीं आता यार, ना कोई साइड सीन, ना कुछ, ऊपर तो बस दिख रहा तुम्हें और कुछ भी नहीं है. और भाई ट्रेन में भाई मैंने देखा दिल्ली से पुणे के लिए ट्रेन, जब मैं आने का सोच रहा था यहाँ पे, तब मैं प्लान कर रहा था सब कुछ, तो मैंने देखा भाई 15 घंटे 16 घंटे, इनफैक्ट कुछ ट्रेनें तो भाई 24 घंटे ले रही थी. बट यार वो मज़ा ना ट्रेन में ही आता है लॉन्ग जर्नी वाला. हाँ मेरा ये रहता है कि मैं 1-2 दिन एक्सटेंड नहीं करूँगा टूर अपना, बट हाँ कुछ आवर्स में एक्सटेंड कर सकता हूँ, कि जहाँ मैं 2 घंटे कर रहा हूँ मैं अगर 14 घंटे या 15 घंटे और ऐड ऑन कर दूँ तो मेरी ट्रिप में थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है, और ना मुझे अच्छा लगता है कि चलो समहाउ जल्दी ख़त्म होने के बजाय ना इसको मैंने थोड़ा और लंबा खींच पाया. तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है ट्रेन में. हाँ कभी कभार जल्दबाजी होता है कि आपको जल्दी पहुँचना है किसी जगह पर, आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ्लाइट लेकर जल्दी पहुँच जाओ, वो एक अच्छा मीडियम है. बट अगर आप प्री प्लान करके चल रहे हो तो आई प्रेफर कि भाई ट्रेन से जाओ, मजे लेते हुए जाओ, सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी लगता है. चलो भाई ये बातें तो हो गई हैं, अब मिलिंद भाई का वेट करते हैं. मिलिंद भाई आएंगे तो तुम्हें भी उनसे मिलवाएंगे, मिलिंद भाई मेरे ब्लॉग्स में पहली बार आएंगे तो उनसे मिलते हैं एंड देन हम लोग पुणे देखने चलेंगे, पुणे सिटी को देखेंगे शाम में, पुणे की मार्केट एंड हाँ मेन चीज़ महाराष्ट्र का स्ट्रीट फूड तो खाने का है, तो कुछ भी हो जाए. अभी मैंने वड़ा पाव मंगा जोमेटो से मंगाया था, बट वो मज़ा नहीं आया जो मज़ा मतलब शिरडी जाता था तो रेडी पे खड़े होके कंपटीशन होता था कि कौन कितने वड़ा पाव खाएगा, तो वो चीज़ मैंने आज करने गया पुणे में. तो चलो मिलिंद भाई का वेट करते, जैसे आते हैं मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ. व्हाट्सअप एवरीवन, ध्वनिल दिस साइड एंड ये हमारा day 1 वीकेंडर का, ठीक है. सॉरी मैं तुम्हें कल मिलिंद भाई से नहीं मिला पाया क्योंकि शिफ्टिंग वगैरह में थोड़ा सा हो गया था, इशू आ गया था एंड उसके बाद फिर हम लोग जाके शॉपिंग वोपिंग भी करके आए थे एंड फिर फ्रिज भी भरा हमने, तो उसकी वजह से कल मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया, बट आई होप कि आज का अच्छे से शूट हो जाएगा. अभी तो मिलिंद भाई फ्रेश होने गया है ठीक, एंड अभी हार्दिक भाई भी बैठा हुआ, हार्दिक भाई से मिलाता हूँ मैं तुम्हें. एंड भाई तुम वेन्यू देख लो भाई एक बार, ये तो टेरेस तो तुम देख रहे हो अभी एंड भाई मज़ा आ रहा है भाई टेरेस को देख के. ये अंदर से हमारा ड्राइंग रूम टाइप दे रखा है, ये हार्दिक भाई बैठे हुए हैं मस्त. क्या कर रहे हो हार्दिक भाई? भाई कुछ नहीं, आपके चैनल देख रहे हैं. देख रहे हो भाई फैंस बढ़ रहे हैं ब्रो. एंड ये मिलिंद भाई का दरवाज़ा, मिलिंद भाई लग रहा है गुस्से में भाई अभी.
पता नहीं टॉयलेट में गिर फिर रहे हैं भाई, वो अलग ही सीन चल रहा है उनका लेजिट। एंड गाइस अपना रूम दिखाता हूँ तुम्हें अभी, ये साइड वाला रूम है, एक डबल बेड दे रखा है, अलमारी है, ये मेरा छोटा सा टाइनी सा अटैची, एंड ये वॉशरूम है। वॉशरूम भी काइंड ऑफ गुड है, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, वर्दी है पैसे के मामले में। एंड ये टीवी है जिसका रिचार्ज नहीं करा रखा है इन लोगों ने, तो मैं भी क्या बोल सकता हूँ। तो बस अभी फ्रेश व्रेश हो रहे हैं सारे, नहा धो के एकदम मस्त निकलेंगे, घूमेंगे थोड़ा पुणे को, कोई कल तो घूम नहीं पाए लेजिट। और दो लोग भी आ गए थे मिलने के लिए, एक लक्ष्य भाई आए थे, एक होटलो भाई आए थे, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि भाई ये लोग आए हैं, एटलीस्ट उनसे मिलने के लिए आए हैं। लाइक इन्होंने भाई स्ट्रगल करा था मेरा अपार्टमेंट ढूंढने में, हमें खुद नहीं मिला था ये अपार्टमेंट, केयर टेकर को बुलाया, सब कुछ करा, फिर जाके मिला था। वो लोग आए, वी हैड अ चैट ऑफ अराउंड 4 to 5 hours, मेरे ख्याल से ज़्यादा 11 बार तो बज ही गए थे। एंड देन फिर हम लोग टेकन खेलने लग गए थे, रात का पीर के पता नहीं चला, एंड अभी 12 बज रहे हैं, 12 बजे हम सो के उठे हैं भाई। तो बस सारे तैयार व्यार होते हैं, फिर मैं तुम्हें लेजिट मिलिंद भाई से मिलाता हूँ। गाइस मिलिंद भाई आ चुके हैं इधर। एयो एयो मिलिंद भाई, लोग पूछ रहे हैं आपके बारे में भाई, समस्या आप क्या चल रहा भाई, मेरे बालों को जज मत करना, पर कपड़े आज अच्छे पहने हैं मैंने समाओ। मिलिंद भाई भी ट्रिप में चल रहे हैं, ठीक है, हार्दिक भाई भी एकदम, हार्दिक सीरियस ही रहते हो भाई तुम हमेशा, क्या बोल सकते हैं। तो फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं फिनिक्स मॉल, एंड देन उसके बाद हम लोग वापस आएंगे, सामान रखेंगे। इस भाई का बहुत पैसा है भाई, अरे लो कहा भाई चाहिए भाई, ज़ारा से शॉपिंग नहीं कर रहा भाई, अरे ब्रो सेल चल रही है इसलिए जा रहा हूँ भाई, सेल में ही औकात होती है। तो वहाँ से सामान वामान लेंगे, देन उसके बाद वापस आएंगे, सामान रखेंगे, फिर हम लोग जाएंगे वीकेंडर। एंड समहाउ जैसे कल भी मुझे दो लोग मिलने आए थे, एंड आज भी वीकेंडर में हैं, एक तो बंदा एकदम से टकरा गया, उसका मैसेज आ गया कि ब्रो, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा तो मैं खुद पता चल जाएगा वो कौन है, उसके एक बेस्टी के साथ अभी रिसेंट पॉडकास्ट ही निकाला मैंने, तो तुम्हें आगे पता चल जाएगा फिनिक्स मॉल कैसा दिखता है, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है। एंड तुम लोगों का भी फर्स्ट टाइम है? हाँ नहीं नहीं मैं एक बार होके आया हूँ। साले कल ही होके आया? कल नहीं, कल दूसरी जगह गया था, एम एन ओरा। बड़े लोग भाई बड़े नाम, हम तो भाई राजू के छोटे बटोरे जानते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है बाकी भाई सच बताऊँ भाई, बहुत बढ़िया यार पुणे शहर, मेरे हिसाब में तो पुणे शहर मुझे अच्छा लगा। मुझे पता नहीं क्यों, लाइक मेरी टोन कैडेंस की वजह से जो भी है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत स्वीट और पोलाइट है ना, एंड मैं आई एम लाइक भाई लाउड एंड रूड, जो भाई तू तड़ाक भाई, वो वाला सीन लग रहा है लेजिट भाई, अब नॉर्मल फीलिंग आ रही है कि आई एम फकिंग एलियन भाई, मैं कहीं और से आ रखा हूँ भाई, यहाँ के लोग बहुत पोलाइट है भाई। तो वही स्टे ट्यून, अब तुम्हें आगे फिनिक्स मॉल लेके चल रहे हैं हम लोग, लेट्स गो। हमारी ऑडी आ रेट आते हुए इधर ब्रो, ऑडी आ रेट है ना ब्रो अपनी? यस सर। चलो भाई चढ़ो भाई, पॉप ऑन दिस सीट, व्हिप व्हिप। चलो भाई अंकल 4014, ये हमारी आज की सवारी है भाई। तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन पुणे ऑटो? बढ़िया है ब्रो, यहाँ पे मीटर से भी चलाते हैं, सो इट्स बेटर ओनली, ऐसे मुंह मांगे दाम नहीं पूछते कि लाइक भैंस 200 रुपए यहाँ पे जाने के। ये है फिनिक्स मॉल पुणे का, और भाई मैंने सोचा नहीं था कि पुणे में भी इतने लोग रहते होंगे, मतलब जो लग था पहले का कि लोग इतने रहते हैं कि नहीं, बट आज पता चला भाई यहाँ पे लोग हैं, और लोगों के पास बहुत पैसा है, लेजिट बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि भाई ज़ारा की सेल क्या होगी, सारा ऐसा लग रहा पूरा पुणे आ चुका भाई, लाखों से डबल आना भाई, कोई जा ही नहीं रहा भाई, H&M वगैरह सब छोड़ो, सब ज़ारा जा रहे हैं। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग मिलिंद भाई तो लग गए हैं बिलिंग काउंटर पे, हम लोग अपना चिल करते हुए घूम रहे हैं फिनिक्स मॉल, तो लेट्स गो। ये हाल है ज़ारा का ब्लैक फ्राइडे सेल पे, ये मिलिंद भाई यहाँ पे एयो दो कपड़े लेते हैं, ये हार्दिक भाई ने लिए अपने लिए, कैसा लग रहा है? लग तो बढ़िया रहा है भाई, कैसा लग रहा है ज़ारा में इतनी भीड़ देख रही हो? इतना भीड़ तो आज तक देखा नहीं मैं वैसे, लेकिन तो सेल है ना, बट समझ में आ सकता है। पुणे जैसी सिटी में भी मैंने सोचा नहीं था कि वाला ज़ारा का इतना हाइप डब होगा, बट हाँ भाई आज तो मैं ज़ारा को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ज़ारा में ये भीड़ होती है। अरे वो ब्लैक फ्राइडे भाई। फाइनली हम लोग फिर से आ गए फिनिक्स मॉल के बाद, सीधा घर, सामान वामान रखा भाई ने, अपना इंतजाम जो भी वो कर लिया है, अब इंतजाम से समझना मत कुछ और, देख रहे भाई अलग ट्रिप है भाई, बंदिया स्कोर करेगा जैसे उसका मोटो आज का। नहीं नहीं भाई भाई की नई शर्ट, अपन भाई पुराने कपड़े में जाएंगे, पुराना नहीं है नया ये भी, बट स्टिल अब यहाँ से जाएंगे हम महालक्ष्मी लॉन्स जहाँ पे वीकेंडर हो रहा है। एंड अभी वैसे 4:30 हो गए, थोड़ा लेट चल रहा है शेड्यूल से, हमने वैसे कितने बजे जाना था? तीन तीन बजे
हाँ 3 बजे जाने का था, अब 4:30 हो गए हैं, 5:30 तक पहुँच जाएंगे। क्राउड होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि यार डीजे स्नेक भी है तो लोग ज़्यादातर स्किप ना कर दें आज का पार्ट। लेट्स सी क्या होता है। तो हम अब निकल ही रहे हैं, 1 घंटे में पहुँच ही जाएंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस।